हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द थर्ड एपिसोड ऑफ रशिया ट्रैवल सीरीज। आज हम फेमस सोची के ओलंपिक स्टेडियम जाने वाले हैं और उसी के करीब में एक अम्यूजमेंट पार्क है, तो हम वहाँ स्टेडियम के बाद वहीं जाएंगे। यहाँ से जो हमारा स्टे है, जो लोकेशन पे है, वहाँ से हम ओलंपिक स्टेडियम किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं गूगल मैप पे, कौन सी बस ले सकते हैं, कितना कॉस्ट होता है, वो आपको मैप के जरिए बताएंगे। सो दैट आप अगर ट्रैवल कर रहे हो तो आपके लिए भी आसानी हो। और साथ ही में सोची ओवर द लास्ट 7-8 ईयर्स इतना फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन कैसे बन गया, उसके बारे में आपको थोड़ी डिटेल्स बताएंगे। साथ ही आपको ये वीडियो में आज के पूरे दिन के थोड़े क्लिप्स और नज़ारे भी दिखा देंगे। तो दोस्तों, मैं अगर आपको मैप में दिखा दे तो हमारा जो स्टे यहाँ पे है उसका नाम है हॉस्टल डीआर। मैं आपको मैप में एक बार दिखा देता हूँ, तो उसकी लोकेशन है एग्जैक्टली यहाँ पे। अभी कल हम गए थे सोची बीच की टूर्स, जो मैं जूम करके बताता हूँ, जो ये साइड पे है, यहाँ पे सोची बीच है एग्जैक्टली। आपको दिखाएं तो ये बीच को ये कहते हैं, ये वर्ड जो प्लाजा करके लिख रहा है आपको। यहाँ से हम वॉक करके हम यहाँ पार्क रिवेरा कवर किए थे कल। आज के दिन हमारा प्लान है सोची का जो फेमस ओलंपिक स्टेडियम है, इनफैक्ट सोची का जो डेवलपमेंट मेजॉरिटी जो हुआ था 2014 विंटर ओलंपिक्स के बाद ही हुआ था, जहाँ पे रशिया ने बहुत ज़्यादा खर्चा किया था। अगर मैं सही हूँ तो $40 बिलियन के ऊपर रशिया ने इस पूरे सिटी पे खर्चा किया था विंटर ओलंपिक्स के जस्ट पहले। एक रीज़न था टू इंकरेज लॉट ऑफ पीपल टू कम इन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान देने की कोशिश की थी, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने की कोशिश की थी, एंड काफ़ी अच्छा खासा खर्चा और अच्छा खासा बना दिया था सोची को। एंड उसके बाद से ही सोची बहुत फेमस हो गया था। ऑल्सो एक यूनिक चीज़ थी कि जो विंटर ओलंपिक्स था, आई थिंक पहली बार ऐसे प्लेस पे था जहाँ पे वो सी साइड कनेक्टेड था। आई डोंट थिंक इसके पहले कोई विंटर ओलंपिक्स ऐसी जगह पे था जहाँ पे सी साइड कनेक्टेड हो गई प्लेस। तो सोची बिकेम वेरी फेमस इन दैट लाइट एंड दैट इज व्हाट वन थिंग विच वी वांटेड टू सी देयर ओलंपिक स्टेडियम। तो आज हमारा प्लान वही था ओलंपिक स्टेडियम जाने का। हम आपको एक बार मैप पे दिखा देते हैं कि ओलंपिक स्टेडियम यहाँ से कितना बताता है। तो आप देखोगे यहाँ पे अराउंड 1 आवर 1 आवर 10 मिनट्स दिखा रहा है, जो नॉर्मल कार का रूट है। बट आप अगर ये जो ट्रेन एंड बसेस वाला रूट ऑप्शन सिलेक्ट करोगे, तो हमने ये फर्स्ट वाला रूट सिलेक्ट किया था। आप देख सकते हो उस पर कॉस्ट ऑफ बस टिकट का भी बता देता है। तो टोटल 105 रूबल हमें लगे थे और हमें अराउंड 1 घंटा 20 मिनट लगा था ये पहुंचने को। अभी आई थिंक ट्रैफिक ज़्यादा होगी इसलिए ये कम टाइम दिखा रहा है। और ये ओलंपिक स्टेडियम के नेक्स्ट में ही सोची अम्यूजमेंट पार्क भी है, जो काफ़ी फेमस है टूरिस्ट लोग के लिए। सो which if I show you on the maps itself, so I just searched it and ये देखो यहाँ पे वो साथ में ही है ओलंपिक स्टेडियम के एग्जैक्टली। तो ये आपका जो इधर है ओलंपिक स्टेडियम है और ये पूरा सोची अम्यूजमेंट पार्क है, जहाँ पे बहुत सारे अच्छे राइड्स हैं। यू कैन यू नो लिटरली स्पेंड योर होल डे इन द पार्क हैविंग फ्यू राइड्स, enjoying few shows. That was the day 2 plan. हम आपको थोड़ी झलकियां दिखाते हैं हमारे आज के डे की। यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे ये लोग ने व्हीलचेयर जाने के लिए भी फैसिलिटी रखी है, ऐसे स्लाइडिंग अलोंग विद स्टेयर्स। और ये आपको हर जगह मिलेगा, बस में, सबवे में, ट्रेन के लिए जाने के लिए। सो दे हैव इंश्योर्ड दैट नो वन फेसेस एनी डिफिकल्टीज बिकॉज ऑफ दिस। अभी हम सोची ओलंपिक स्टेडियम के यहाँ एक बस स्टॉप पे उतरे बस से, और यहाँ से 4 मिनट वॉकिंग पे स्टेडियम आ गया। ऑलमोस्ट अभी पहुँच गए वहाँ पे। हमारे साथ आज अगर आप करोगे तो एक फ्रेंड भी है जो हमें हॉस्टल में सुबह को मिली थी और अभी अच्छी फ्रेंड बन गई है। उनका नाम ऐना है और वो अभी हमारे साथ ही उन्होंने ज्वाइन किया है ओलंपिक स्टेडियम देखने के लिए। और ये यहाँ का ओलंपिक पार्क है जहाँ पे विंटर ओलंपिक्स हुए थे, सोची में बहुत फेमस है। इनफैक्ट यहाँ इस ओलंपिक के बाद ही इनका बहुत प्रोग्रेस और डेवलपमेंट किया गया है सिटी का, एंड दिस सिटी इज़ लाइक नाउ वेल नोन फॉर टूरिस्ट।
एंड दिस इज अ फॉर्मूला वन ट्रैक इन सोची, ये ऑफिशियल ट्रैक है। सितंबर में एक रेस भी है यहाँ पे, लास्ट ईयर नहीं हुआ था कोविड की वजह से, लेकिन इस साल शेड्यूल्ड है सितंबर में। और यहाँ से 5 मिनट वॉक करके ही हम सोची अम्यूजमेंट पार्क में पहुँच जाते हैं। पार्क की एंट्री 2000 रूबल्स है। इसमें बहुत सारे राइड्स हैं, आपको रोलर कोस्टर्स मिलेंगे अच्छे खासे, फ्री फॉल है, फिर बहुत सारे फाउंटेन्स हैं, अच्छे नज़ारे हैं, बिल्डिंग पे लाइटिंग्स है, थोड़े शोज हैं। आपको हम अच्छा सा एक छोटा सा नज़ारा देते हैं अम्यूजमेंट पार्क का। होप आपने वीडियो आज का एंजॉय किया है। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल के मोटिवेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।